Hey guys, welcome back to my channel. इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप फेरीज कैसे लग सकते हैं अंडमान में, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको अंडमान जा रहे हैं तो आप दो तीन आइलैंड तो विजिट करेंगे। तो दिस वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट द फेरीज के गवर्नमेंट फेरी कैसे ले सकते हैं, प्राइवेट फेरीज कैसे ले सकते हैं, कौन सी बेटर है। तो या कीप वॉचिंग। तो जो अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे कुछ 500 से ज्यादा आइलैंड है जिसमें से 38 इनहैबिटेड है। एंड ऑफकोर्स हम लोग सारे तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारे, बट एटलीस्ट 5-6 आइलैंड तो आप जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक हफ्ते या 10 दिन का ट्रिप कर रहे हैं, लाइक नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड जिनके नाम अब स्वराज द्वीप और शाहिद द्वीप हो चुका है। तो जो शाहिद आइलैंड है वो हमारा नील आइलैंड और स्वराज द्वीप आइलैंड है वो हमारा हैवलॉक आइलैंड। इसके अलावा यहाँ पे रॉस आइलैंड भी है, नेताशी, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड भी है, काफ़ी आइलैंड्स हैं। सो या अब यहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो फेरीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, क्योंकि इन आइलैंड्स के बीच में फ्लाइट्स या एयरपोर्ट्स नहीं चल मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। जहाँ तक फेरीज की बात है, यहाँ पे दो टाइप की फेरीज हैं, एक है प्राइवेट फेरीज और एक है गवर्नमेंट फेरीज। प्राइवेट फेरीज में आपकी नॉटिका आती है, माक्रूज आती है, IIT मैजेस्टिक आती है, आशिया आती है, बहुत सारी हैं। बट आई फेल्ट कि नॉटिका वॉज वेरी गुड क्योंकि वही मैंने यूज थी, काफ़ी रीजनेबल भी थी एंड टाइमली भी पहुँचा रही थी एंड टाइमिंग भी सही थी इसकी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आपका ये होगा कि आप गवर्नमेंट फेरीज चूज करें कि प्राइवेट फेरीज चूज करें। तो पहले तो आते हैं गवर्नमेंट फेरीज में, ऑफकोर्स दे आर मोर चीपर एंड रिलायबल भी हैं, बट जनरली कभी कभार इन फेरीज का टाइम भी ज़्यादा होता है। जैसे जो प्राइवेट फेरी है वो आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक दो ढाई घंटे में पहुँचा देगी एंड जो गवर्नमेंट फेरी है वो अराउंड 3 आवर्स लेती है। उसके अलावा वन मोर प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट फेरी आप 3 दिन पहले ही बुक कर सकते हैं अपनी डेट के, वो 1 महीने इन एडवांस नहीं खुलता। तो दिस माइट बी अ लिटिल ट्रिकी स्पेशली अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे होंगे एंड दे माइट वॉन्ट टू बुक। एंड जहाँ पे जनरली गवर्नमेंट फेरीज जो है वो आइलैंडर्स भी यूज़ करते हैं टू ट्रैवल बिटवीन द आइलैंड्स, तो दे माइट एक्चुअली गेट मोर सीट्स एंड आपके लिए सीट्स ना बचें शायद से पीक सीजन में। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं देन ऑफकोर्स गो अहेड एंड ट्राई इट, क्योंकि ऑफ सीजन में सीट्स आपको खाली मिल जाएंगी इजीली। अभी भी जैसे मैं देख रही थी तो खाली पड़ी थी काफ़ी सीट्स, मतलब बहुत सारी सीट्स तो नहीं, स्टिल वेरी ट्रिकी, बट हाँ 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो आपको चांसेस हैं मिलने के। एंड वन मोर ग्रेट थिंग इज़ कि अब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं गवर्नमेंट फेरीज। पहले आपको जाके फिजिकली टिकट ऑफिस पे जाके लेना पड़ता था, तो तब इट वॉज नॉट द बेस्ट वे फॉर एटलीस्ट टूरिस्ट एंड अस, क्योंकि अगर आप 7-8 दिन जा रहे हैं तो बाई चांस अगर आपको नहीं मिली 3 दिन पहले फेरी टिकट तो फिर आपका पूरा प्लान इज़ गॉन। बट सिंस अब ऑनलाइन वाला ऑप्शन है तो दैट्स मोर ईजी। बट अगेन आई वुडेंट रिकमेंड इट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। अगर आप सोलो जा रहे हैं देन ऑफकोर्स गो अहेड फॉर गवर्नमेंट फेरीज, बट अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आई वुड से नॉट टू टेक द होल रिस्क, क्योंकि अगर आपको एक भी टिकट कम पड़ी तो गया आपका प्लान। तो यहाँ पे आपकी प्राइवेट फेरीज यूज़ आ जाती हैं। इनका कॉस्ट 200-300 रुपये ज़्यादा होता है गवर्नमेंट फेरी से, बट प्राइवेट फेरीज आप 2-3 महीने इन एडवांस बुक कर सकते हैं, तो एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होती कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने बोला प्राइवेट फेरीज की कॉस्टिंग डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन फेरी टू फेरी। कुछ फेरी ज़्यादा चार्ज करती हैं, कुछ कम करती हैं, बट मिनिमम आपको ऐसे 1200 से 2000 के बीच में आपको फेरी मिल जाएगी। एंड दिस इज फॉर द लॉन्ग जर्नी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक, ठीक है, या फिर हैवलॉक टू सॉरी नील टू पोर्ट ब्लेयर टाइप्स। बट या सो दीज आर लाइक द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द फेरीज। एंड ऑफकोर्स प्राइवेट फेरीज जो है वो थोड़ा कम टाइम भी लेती हैं गवर्नमेंट फेरी से, एंड यहाँ की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, मतलब आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग एरिया मिलेगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा एंड खाने पीने की भी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब आते हैं कि आप कैसे बुक कर सकते हैं फेरीज। तो देर आर 2 वेज, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अगर आप इन एडवांस नहीं बुक करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन इनके टिकट काउंटर्स पे जाके बुक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट फेरीज पर जाते हैं तो आपको DSS के काउंटर जाना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको उनके टिकट काउंटर्स पे जाना पड़ेगा, मैक्रूज हो गया, नॉटिका हो गया, इन सबके टिकट ऑफिसर्स पे जाके करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं वेबसाइट्स का लिंक यहाँ पे दे रही हूँ। एक जो मैंने यूज़ की थी प्राइवेट के लिए बुक करने के लिए वो थी GoToAndaman, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट था, मतलब कंपेयर टू इफ़ आई हैड बुक डायरेक्टली फ्रॉम नॉटिका।
एंड या बहुत सारे ट्रैवल ऑप्शंस भी थे, तो काफ़ी रीजनेबल था. आई फाउंड इट वेरी गुड. आप यूज़ कर सकते हैं गो टू अंडमान वेबसाइट. एंड अगर आपको गवर्नमेंट फेरी की बुक करनी है तो उनका ऑफिशियल DSS वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हैं. अब आते हैं कॉस्ट ऑफ द फेरी टिकट्स. तो जैसे मैंने पहले बोला, गवर्नमेंट वाली फेरीज थोड़ी कम महंगी होती हैं एंड प्राइवेट वाली फेरीज के प्राइस डिपेंड्स ऑन कौन सा आप क्लास चूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी चूज़ कर रहे हैं. तो जो गवर्नमेंट फेरीज हैं वो कुछ 150 रुपये से स्टार्ट होती हैं, मतलब रूट टू रूट डिपेंड करता है. एंड आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ऑलरेडी DSS की वेबसाइट पे जाके कि आपके रूट के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा. जो प्राइवेट फेरीज होती है उनकी मिनिमम कॉस्ट 500 रुपये से स्टार्ट होती है. तो ऑफकोर्स थोड़ा तो महंगा है, बट हाँ कंफर्ट भी रहता है एंड थोड़ी फास्ट सर्विस भी होती है. अगर आपको गवर्नमेंट फेरी बुक करनी है तो आपको DSS की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन आप स्केड्यूल दे सकते हैं कि कौन सी फेरीज रन कर रही हैं, कहाँ से एंड क्या टाइमिंग है. उसके बाद आप टिकट सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी टाइमिंग चाहिए, और उसके बाद वो आपको कॉस्ट बता देगा कितने टिकट्स चाहिए. आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप पेमेंट कर दीजिए. पेमेंट करके आपका टिकट फाइनल हो जाएगा. सो अ फ्यू टिप्स फॉर फेरी बुकिंग. तो पहली चीज़ तो आई वुड रिकमेंड कि आप एडवांस में बुक कीजिए, मतलब स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप प्लीज़ एडवांस ही बुक कीजिएगा, क्योंकि पीक सीजन में फेरी के मतलब सीट्स बहुत जल्दी भर जाती हैं एंड फिर देन यू विल बी यू नो स्ट्रगलिंग टू गेट अ सीट. फिर आपको बस वेट करना पड़ेगा कि कोई कैंसिलेशन हुआ है, कुछ हुआ है, तभी आपको मिलेगा. तो या अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं अक्टूबर से मार्च के बीच, अप्रैल ऑल्सो, देन बुक इन एडवांस. पर फेरी स्केड्यूल चेक कर लीजिएगा कि कितने बजे पहुंच रही है, किस दिन रन कर रही है एंड सब कुछ, उसके हिसाब से अपनी चूज़ कीजिएगा. एंड हमेशा चेक करते रहिएगा अपने फेरी का स्टेटस. कभी कभार डिले हो सकती है कोई फेरी या फिर कोई कैंसिल हो जाती है फॉर सम ऑपरेशनल रीज़न, सो कीप अपडेटेड. उसके अलावा बुक करने से पहले आप डिस्काउंट्स वगैरह जैसे मैंने बोला चेक कर सकते हैं प्राइवेट फेरीज के लिए. गवर्नमेंट फेरीज के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जो भी कॉस्ट है वही दिखेगा. एंड द कॉस्ट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स कि कौन सा टाइमिंग आप चूज़ कर रहे हैं. मैंने देखा था कोई कुछ कुछ के लिए 600 रुपये भी था एंड देन फिर सेम जर्नी के लिए 800, 850, 900 रुपये भी था. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंसिलेशन पॉलिसी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ केसेस में वो लोग रिफंड नहीं करते हैं एंड आपको शायद से 25-50% कैंसिलेशन चार्जेस लग ही जाएँ. तो प्लीज़ ये डेफिनेटली चेक कर लीजिए बिफोर यू बुक योर फेरीज. ऑन द फेरी डे आप जल्दी पहुँचिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वो चेक करेंगे, सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद वो आपको टिकट लेना पड़ेगा दोबारा, मतलब अपना ई टिकट दिखा के टिकट लेना पड़ेगा. उसके बाद फिर आपका बैगेज स्कैन होगा एंड देन उसके बाद आपको बोर्ड करेंगे वो, जिसके लिए अगेन एक लंबी सी लाइन होगी. तो अगर आप थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे तो बेटर रहेगा. जनरली इनके टिकट में होता है कि आप 1 घंटा पहले पहुँचिए अपने फेरी के टाइमिंग से. तो अगर आपकी 6:30 AM की या 5:30 AM की फेरी है तो फिर आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा. वन मोर थिंग इज़ कि जब वो आपको सिक्योरिटी मेजर्स बताएं या कुछ भी बोलें तो आप प्लीज़ वो सुनिएगा एंड हमेशा यू नो प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि पानी पे कुछ भी हो सकता है. वो लाइफ जैकेट्स वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, दैट्स फाइन. एंड वहाँ पे टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स भी हैं, तो अगर आपको टॉयलेट यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हैं, नॉट एन इशू. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट कैरी एनी रिस्ट्रिक्टेड आइटम जैसे फ्लेमेबल मटीरियल्स एंड ऑल, क्योंकि वो स्कैन हो जाएगा बैग में, आपको वो या तो लेके नहीं जाने देंगे या फिर डिनाई कर देंगे बोर्डिंग. एंड कोई पॉइंट नहीं है. सो या तो एक बार रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स थोड़ा देख के लेके जाइएगा. ऑफकोर्स यहाँ पे फेरी पे जो भी खाना पीना होगा वो ज़्यादा महंगा होगा. 50 रुपये की कॉफ़ी मिलती है जितना मुझे याद है एंड 50 से 100 रुपये की कॉफ़ी मिलती है, तो नॉट रियली रिकमेंडेड. एंड पानी वानी भी सब महंगा मिलेगा. तो बेस्ट है कि आप अपना ड्रिंकिंग वाटर लेके चलिए, थोड़े स्नैक्स खाने के लिए चलिए एंड सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके चलिए, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करना ही ना पड़े. तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए. ओके बाय.